निधि की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शक्कर पारे की रेसिपी, जो बहुत ही फ्लेकी बनते हैं और खस्ता होते हैं और ऊपर से कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। इसको बनाते कैसे हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हमने 4 कप मैदा लिया है, जिसको अच्छे से छान लिया है पहले। और इसको छानने के बाद इसमें बीच में आप एक वेल बनाइए, गड्ढा कर लीजिए। और इसमें हम 1 कप गर्म घी मिलाएंगे। तेल का मोयन नहीं देना है, हमें घी का ही मोयन देना है। शुद्ध घी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर वनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये गर्म होना चाहिए। अच्छा, अब इसको आप हाथ से बिल्कुल मत मिलाइए, 1 चम्मच की सहायता से मिलाइए। और जब अच्छे से मिल जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हाथ लगाइए, वरना बिल्कुल जलने का डर है। ये ठंडा हो गया है, अब इसको हथेलियों में लेकर मसल लीजिए अच्छे से, जिससे घी अच्छे तरह से मैदे में मिल जाएगा और इसका बिल्कुल एक लड्डू सा बनने लगेगा अगर आप बनाएंगे तो। अब हम इसमें 1/4 कप फ्रेश कर्ड मिलाएंगे। दही है ये, और बिल्कुल ताज़ी दही है, खट्टी नहीं है। आप ताज़ी दही ही इसमें मिलाइए और अच्छी तरह मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गूंद लीजिए। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा मिक्स कीजिए, एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ किया है। इसको हमें ज़्यादा गूंदना नहीं है, केवल इतना ही मिलाते जाना है जिससे ये एक डो जैसा बन जाए। देखिए, बहुत चिकना डो हमने नहीं बनाया है, बस एक साथ इकट्ठा कर लिया है पूरे मैदे को। और ये इसको हम ढककर 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 20 मिनट हो गए हैं, अब इसको डो को बहुत हल्के हाथों से हल्का सा गूंद लीजिए आप, ज़्यादा इसमें अभी नहीं गूंदना है। और इसकी एक आप बड़ी सी लोई ले लीजिए और इसको एक गोला बनाकर इसको बेल लेते हैं हम। ये देखिए, ये किनारे से फटेगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही फ्लेकी बनते हैं। आप एक मोटी रोटी बनाइए इसकी, 1/4 इंच लगभग मोटाई इसकी रहेगी। ज़्यादा पतली करेंगे तो फ्लेकी नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कितना मोटा हमने बेला है। अब इसको किनारे हम काट कर शेप दे लेंगे, चौकोर बना लेंगे इसको। हमने यहाँ पे लंबे शेप में बनाया है शक्करपारे। अगर आपको दूसरे शेप पसंद हो तो आप ज़रूर दूसरे शेप का भी बना सकते हैं, छोटे बना सकते हैं, बड़े, चौकोर, कैसे भी आप जैसा पसंद करें वैसा बना लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लीजिए और बिल्कुल धीमी आंच में इन शक्करपारों को तल लीजिए। ये गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए, बहुत अच्छा गोल्डन कलर आया है देखिए, और बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए। धीमी आंच में पकाइएगा तभी अंदर तक पकेंगे, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे ये। इसी तरह हमने पूरे तलकर तैयार कर लिए हैं। अब एक कढ़ाई में हमने 1.5 कप शुगर ली है और 3/4 कप पानी मिला दिया है उसमें। अब इसको धीमी आंच में ही हमें चाशनी बनानी है, तेज आंच पे मत बनाइए। चाशनी तैयार हो रही है, अगर इसमें कोई गंदगी हो तो आप उसको निकालते जाइए। अब लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं और ये चाशनी लगभग तैयार हो गई है। देखिए, 1/3 कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें, एक तार की चाशनी हमने बनाई है। और इसकी एक पहचान और भी है कि ये किनारे पे शक्कर जमने लगती है। अब बिल्कुल तैयार है, आप इसमें सारे तले हुए शक्करपारे मिला दीजिए। ये हमने पूरे मिला दिए हैं इसमें। अब आप इसको चला लीजिए और अब गैस बंद कर दीजिए आप ये, और इसको लगातार चलाते रहिए। ये अपने आप चाशनी गाढ़ी होती जाएगी और सूखती जाएगी। देखिए, चलाते चलाते ही चाशनी सूखने लगी है और ये बिल्कुल सूखकर तैयार हो गए हैं। ये शक्करपारे हमारे तैयार हैं, अंदर से बहुत ही फ्लेकी बने हैं। आप ज़रूर ट्राई